हेलो ओ अरे अरे कप्पू तुम अरे इधर किधर क्या हाल है कुछ नहीं मैं तो बस यहाँ पर दही लेने के लिए आया था सोचा इधर से गुजरता चलूं दूसरों के घर के अंदर से कौन निकलता बे बाहर बाहर से क्यों निकला ओ अरे सिद्धू पाजी कैसे नमस्ते खबरदार हमारे सिद्धू पाजी को हेलो आ गया तो ऐसा नहीं यार नहीं नहीं पाजी बिल्कुल नहीं करना इधर ऐसे कैसे इधर ऐसे कैसे इधर कैसे कैसे क्या कैसे नहीं जिधर पैसे उधर हम जैसे तैसे लेकिन पाजी मैं अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ बोलो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है मैंने क्या धोखा दिया मेरे को धोखा दिया है क्या सब जानते हैं कुछ साल पहले की बात है इन्होंने कहीं पर दुकान खोली थी फिर बंद कर दी फिर मैंने वहां अपनी दुकान खोल ली फिर ये दूसरी जगह गए इन्होंने वहां पर दुकान खोली फिर बंद कर दी फिर मैंने वहां अपनी दुकान खोल ली लेकिन इस बार इन्होंने यहीं पे दुकान बंद की यहीं पे खोल ली मैं किधर जाऊंगा यार किधर जाऊंगा एक तो डांस पे एंट्री तक नहीं दी मेरे को देख भाई तेरी दुकान इधर नहीं चलने वाली क्यों हम लोग बेचते हैं फल फ्रूट तू बेचता है लॉन्जरी तू निकल कपिल पैसा बहुत बड़ी चीज होती है पैसा इज्जत का क्या है वो तो जाती जाती रहती है अजी ये मेरा दूर का रिश्तेदार है एक्चुअली अच्छा हाँ ये बहुत गलत बंदे भाजी एक मिनट दूर का क्या रिश्तेदार हमारे दादाजी तो एक ही थे दादाजी एक थे तो दादियों के बीच में तो 17 दादियों का अंतर है कि नहीं है अरे लेकिन गांव में हमारी फैमिलीज तो साथ में रहती थी एक्चुअली पाजी मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या हुआ कि मेरे पापा ने ना सुपरस्टार गोविंदा की बहन से शादी कर ली तो फिर हमारा थोड़ा दिमाग खराब हो गया था हम इससे बात नहीं करते थे लेकिन अभी ठीक है चलता है क्या फर्क पड़ता होता है पाजी इसका परिवार हर बात में मेरी कॉपी करता है क्या कॉपी मैं पैदा हुआ इसके माँ बाप ने भी पैदा कर दिया मूड कोई था नहीं वैसे मेरे घर वालों ने मेरा नाम कप्पू रख दिया इसके घर वालों ने शप्पू रख दिया है कोई बात एक मिनट मेरे पापा कॉपी कैट नहीं थे मेरे पापा बहुत बड़े चांसलर थे अब चांसलर नहीं चेन स्नेचर थे चांसलर थे इतनी आदत पाजी चेन स्नेचिंग की 3 बार तो इसकी मम्मी का मंगलसूत्र उतार लिया शुक्र मना वो तो तुम्हें गांव में इतनी सारी जमीन देती ना कि तो किसी लायक ना रहते तुम लोग बहुत अच्छी जमीनें दी थी इन्होंने पाजी 4 किलोमीटर लंबी जमीन दी थी रेल की पटरी के बीच में और कहते हैं यहाँ पर खाद भी फ्री में मिलती है उठा लेना जमीन दी थी जैसी भी थी जमीन दी तो ना गाड़ी तो वो भी नहीं संभाली गई दादा ने संभाला गया बेचारा उसका ख्याल तक नहीं रखा इन लोगों ने जो दादा छोड़ के गए थे ना उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा पता नहीं कौन सा ऑल इंडिया परमिट मिल गया पाजी बुड्ढे को हर स्टेट में हमारी दो दो दादियां हैं पता है हाँ तो किसी भी स्टेट में जाके रह लेना तेरे को यही स्टेट मिली थी घुस गया तू हाँ क्योंकि अपना एक ही असूल है क्या अपना साथ अपना विकास यस देख चल आ ही गया ना हाँ हाँ कोई बात नहीं हाँ तो ठीक से रहना इधर ठीक है हाँ ठीक से रहूंगा हाँ. ये वाला घर हड़प सकता हूँ नहीं रुको रुको नजर उतारनी है अरे वाह कितनी अच्छी लड़की है मेरी नजर उतार रही है तुम्हारी नहीं मोहल्ले की ताकि तुम्हारी नजर हमें ना लगे ओए एक मिनट भाई साहब एक मिनट अगर इधर रहना है ना तो उससे थोड़ा दूर रहना एक मिनट तुम्हें अगर यहाँ रहना है ना तो तुम इससे दूर रहना ओ एक बॉडी में एवरी बॉडी मैंने ना लाल किला घुमाकर तुम्हारे मुंह पे मारना है एक मिनट बाढ़ पीड़ित केंद्र में पलने वाले अगर मेरे पति को कुछ कहा ना ऐसा मारूंगी कि कोई तुझे पति नहीं बोलेगा अरे तू भी यहाँ पर है अरे क्या बात है यार पाजी मैंने कहा था ना पैसा बहुत बड़ी चीज होती है इज्जत तो जाती जाती रहती है अरे वाह आज मुझे पता चला तेरी भी घर की किस्तें बाकी है वेरी गुड भाभी जी जरा मुझे घर तो दिखा दो ले जा इसे दूसरों का घर देखने का बड़ा शौक है इसे ले जा इसको ध्यान से रहना इधर हाँ हाँ आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा
जोरदार तालियां मेरे लिए। पाजी आज हमारे शो का पहला एपिसोड है और आज ही यहां पे ऐसे मेहमान आने वाले हैं जिनको बुलाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, पर क्या करें, काम तो करना ही है। एक साल हो गया टीवी पे आए नहीं, इंस्टाग्राम पे आ रहे थे। तो ये जो मेहमान आ रहे हैं ये फिल्म इंडस्ट्री के सबसे एनर्जेटिक इंसान है, साथ ही साथ बेहद ही जहीन कलाकार हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान भी हैं, पर मुझे क्या। वो बात अलग है, इन्होंने मेरे साथ कुछ ज्यादा ठीक नहीं किया। एनीवेज मैं उनको बुलाना चाहता हूं, तालियां अगर आपका मन हो तो बजा लेना, वैसे मेरा मन तो है नहीं। तो प्लीज वेलकम रणवीर सिंह। थैंक यू। या प्लीज वेलकम रणवीर सिंह। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यही खत्म होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जाइए अपने घरों को। हो गया शो, जाइए अपने घरों को। पाजी ऐसे कौन करते, जब भी तक नहीं पाई। देखो मैं तुम्हें शादी की ढेर सारी मुबारकें देता हूं, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है इसका दिल टोटे टोटे हो गया है। यही वजह है, यही वजह है। अरे बात वो नहीं है भाजी, मैं भी प्यार करता हूँ रणवीर से, पर अपनी शादी में बुला के लोगों के सामने कह रहे ये देख तेरी दीपू लगे, ऐसे करता कोई? ऐसा मैंने वाकई किया था। मैं ना भाजी टाइम पास करता हूँ ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो एक मॉन्टाज आया मेरे पास कपिल दीपिका को हाय बोलते हुए, हाय हाय और एक के बाद एक कट्स डाले, हाय दीपू, हाय दीपू, हाय दीपू, हाय दीपू, हाय दीपू। मुझे तो कभी कभी लगता है ना इन्होंने शादी मुझे चिढ़ाने के लिए की है। बंदा एक बार चिढ़ा ले, पांच पांच रिसेप्शन। बंदा एक बार ट्वीट कर ले कि आई एम गेटिंग मैरिड टू दीपिका, बात खत्म, मैं थोड़ा सा रो दो के चुप रहूं, करोड़ों रुपए की रिसेप्शन। मैं साफ साफ बता रहा हूं मेरा कोई मन नहीं है आपका इंटरव्यू करने का, पर काम तो करना है। तो रणवीर कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पे? अब महसूस हो रहा है, अब महसूस हो रहा है। आप चले जाए, आप थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इनके लिए जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए। एनर्जी का पावर हाउस एंटरटेनमेंट का भंडार निकला। वाह, धड़क उठे लाखों दिल जहां से तू झूम के एक बार निकला। वाह, तू वो नोट है, तू वो नोट है बॉलीवुड की आर्थिक व्यवस्था का, 100, 200, 500 नहीं, हर बार 2000 निकला। फाइनेंशियल शेयर मारा है आपने। एक बार रणवीर सिंह के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पाजी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सिम्बा ने धूम मचा रखी है। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे आके? यार बहुत खुशी है कि लोगों को हमारी फिल्म पसंद आ रही है, लेकिन यहाँ आपके साथ वापस आकर ऐसे लग रहा है घर आ गए। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अपने घर पे आ गया हूँ, बाहर किससे बोल रहे थे ये मेरी बीवी का मायका है। भाई मैं तो वेट करता हूँ कि न्योता आए, मैं जाऊं, ऐसा इतना अच्छा लगता है यहाँ आके, ऐसे लगता है लाफ्टर थेरेपी होगी मेरी। सर लव यू। सिम्बा में रणवीर ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया है, ये जब बाजीराव मस्तानी या पद्मावत में जैसी फिल्में करते हैं तो ये कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि अपने आप को फैमिली से, मीडिया से, मोबाइल से दूर रख देते हैं बिल्कुल। पाजी लेकिन जब आप सिम्बा कर रहे थे जी, तो तब आप धीरे धीरे शादी के भी नजदीक आ रहे थे जी जी जी, तो आपको दीपिका ने डिस्टर्ब नहीं किया फिल्म के टाइम पे? मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हुआ था शादी की खबर सुन के। नहीं, अक्सर उसका कॉल आता था पूछने
सवाल वगैरह, ये कैसा है, ये कलर वैसा है, वो ये फूल कैसा है, ये शेरवानी कैसी रहेगी, पूरा वो ही कर रही थी ना. तल दिया पकौड़ा. और मेरा स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स रहता था, पाजी जो तेरे दिल में आए तू कर. आगे बढ़ते हैं. जब रणवीर आपने बेफिक्रे की थी, उसमें बहुत ज्यादा एक्शन सीन्स थे, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ी थी कि पहले से आता था सब कुछ आपको? बता दो. कौन सी बेफिक्रे, मैं नहीं था उसमें. देखने को भी दिल नहीं करता, इतना खूबसूरत सा. आपका कहना है कि अक्षय कुमार आपके रोल मॉडल हैं. आप 2 साल में 1 फिल्म करते हैं, वो 1 साल में 4. आपके रोल मॉडल कैसे हुए? बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं. मैं नहीं जानना चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. सारी बातें मान के ही तो चल रहा हूं मैं उनकी. बेटा, लाइफ में और कुछ नहीं है, फैमिली बना और पैसे कमा. अरे वाह. अक्षय कुमार जी ने आपको कहा कि फैमिली बनाओ? हाँ जी. सलमान खान जी से कोई राय आई? बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं. मैं नहीं जानना चाहता. आई थी, मैंने ली नहीं. बड़ी हंसी आ रही काला कोट पहन के. ठीक है, हमारा गुस्सा खत्म, क्योंकि हम गुस्सा करेंगे तो अपना ही शो खराब करेंगे. तो हम भाई भाई. मेरे भाई के लिए जोरदार तालियां. ये भी दीपिका ने पसंद की थी. आपके शो में आने के लिए स्पेशल जैकेट, बिल्कुल रेड वेलवेट कपकेक लग रहा हूं मैं. जिंदगी है इनकी. दीपिका पसंद करती इनके कपड़े. रणवीर, हाउ इज इट? मेरी ड्रेस ये लेके आए दादा, बाहर बैठे. के कैसा रहेगा काला? पता दे दो. मैंने कहा शर्ट खुली है, एक टाक मार देते हैं सर बीच में. दिल नहीं करता कपड़े पहनने का. पर एक बार मेरे भाई के लिए जोरदार तालियां. हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं. मैं इस कपल को, दीपिका और रणवीर को, इतना प्यार करता हूं दिल से. और ये मोस्ट ब्यूटीफुल कपल है हमारी पूरी दुनिया का. मैंने ये ट्विटर पे भी लिखा था. और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं. और आपका बहुत बहुत स्वागत है. और सिम्बा के लिए वंस अगेन ढेर सारी मुबारकबाद, जोरदार तालियां. भाजी, आपको पता, रणवीर पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे. हाँ, फिर इन्होंने मतलब बाद में किया नहीं. भाजी, बाद में क्रिकेट सीरियसली लेना चाहते थे आप क्रिकेट को? अब तो मैं लूंगा. अगली फिल्म मेरी 1983 है. हाँ. और मैं बन रहा हूँ कपिल देव. वाह. मैं ना पाजी ऑफ स्पिनर रहा हूँ, तो कपिल पाजी की पेस और उनका एक्शन मैच करना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होने वाला है. अरे नहीं यार, असंभव शब्द बेवकूफों के शब्दकोश में होता है. इच्छा शक्ति और सब कुछ होता है. इम्पॉसिबल इज नथिंग. इम्पॉसिबल इज नथिंग. ये पाजी, कपिल पाजी की बायोपिक तो कर ही रहे हैं. तो जब आदमी एक बायोपिक करता है, उसको बहुत सारी बायोपिक ऑफर होती हैं. आपको कोई और भी? एक और ऑफर आई थी, वकार यूनिस की बायोपिक. मैंने, मेरे को तो नहीं आई ऑफर ना. मैंने कहा कुछ? भाई साहब, मैंने कहा कुछ? भाई साहब मैंने कुछ कहा है? अरे मैंने कुछ कहा है? बायोपिक का ऑफर उनको है. मैंने कुछ कहा है क्या? आजा, मैंने कुछ कहा भाजी? छोटे कर दो. भाजी, आप मेरे भाई हो. भाई का जुलूस निकालेगा तू? वो बायोपिक मना कर दो आप. बिल्कुल नहीं करनी आपने. नहीं करनी. और करोगे भी तो वो वाली बाल ना डालना जो 1990 में डाली. अब मना करा देते हैं.
अजी आपको पता है इटली में जहां रणवीर की शादी हुई ना उस जगह का नाम था विले डेल बिलबिलनो सॉरी विला डेल 2000 बार ट्राई कर फिर भी नहीं निकलेगा मुझसे क्यों नहीं निकलेगा विले डेल बिलबिलनो क्या नाम था विला डेल बिलबिलनो यही ऐसा वेन्यू आपने जानबूझ के चुना था कि कमजोर इंग्लिश वाले पहुंच ही ना पाए आप बता ही नहीं सकते रिक्शा वाले को नहीं रिक्शा तो होते नहीं वहां पे अमीर कंट्री है किसी को बोलो भाई कहां जाना है भाई शास्त्री नगर बंदा झट से छोड़ाता है भाई विले डेल बिलबिलनो जाना है बड़ा मुश्किल था यार तो विले डेल बिलबिलनो में जहां पे आपकी शादी हुई वाओ ये बोला नहीं जा रहा तो सवाल चेंज करते हैं विले डेल बिलबिलनो एक और बार विले डेल बेल बेल बीएन बीएन नेलो भगवान आपकी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे आप हमेशा खुश रहे और बहुत प्यारे आप दोनों जोरदार तालियां सिम्बा के लिए पाजी आ जाइए विराजमान हो जाइए रणवीर पाजी शादी की बहुत बहुत बधाई हो आपको थैंक यू आपकी शादी पे मैं नाचने का मौका नहीं मिला था इसलिए मैंने सारी कसर इधर आज निकाल दी ओए ये क्या कर रहा था तू ये सब टाटक आपसे कोई बात कर रहे हैं इधर बैठिए आप रणवीर जी आप इधर बैठिए प्लीज सपा जी बैठ जाओ कोई बात नहीं कोई नहीं मारता आपको बैठो खड़ा हूं मैं तेरे को क्या सपा जी आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा सुनाओ जी कहानी है पाजी उस लड़के की जो पश्चिम एक्सप्रेस में बैठकर अमृतसर से मुंबई आया था और पाजी उस लड़के ने एक सपना देखा अच्छा और वही सपना एक हैंडसम लड़के ने भी देख लिया और पाजी हैंडसम लड़के का सपना पूरा हो गया और जो अनहैंडसम लड़का था फिर वो वही हेलो एंड वेलकम टू द डैश 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 ये तो कोई बात नहीं बनी वो बात आपकी नहीं बनी दीपू बड़ा दीपू कहते थे रणवीर पाजी ने आपके दीपकों पर ऐसा पानी फेरा ओए हो पाजी ठंडक मेरे कलेजे में पड़ी है ओहो सच्ची में आपने शादी अटेंड करके उतना एंजॉय नहीं किया होगा जितना मैंने बिना अटेंड किए कर लिया है अटेंड तो ऐसे कर रहा है जैसे इनविटेशन मिला था अटेंड कर नहीं पाया हट इनविटेशन ना मिला हो कोई बात नहीं दूल्हा दुल्हन मुझे नहीं अच्छी तरह से जानते थे कोई बात नहीं लेकिन पाजी जिस बंदे ने सेहरा जेब में डाला हो और दूल्हे का ख्वाब सजाया हो उसको ना बुलाया हो मान लिया इटली दूर है इटली तुझे पता है इटली में कहां शादी हुई थी हाँ जो वहीं हुई थी जो आपसे बोला नहीं गया तो पाजी मान लिया इटली दूर था रणवीर जी मान लिया इटली दूर था लेकिन इंडिया में भी जो रिसेप्शन हुई है ना वहां भी जहां तो सिर्फ रिस्पेक्टेबल आए रब्बा अच्छा पाजी मैं थोड़ा नर्वस हो गया पाजी के अंदर इतनी एनर्जी देखकर अच्छा इंडिया में भी जितनी रिसेप्शन हुई ना उनमें भी जहां तो रिस्पेक्ट इसका कसूर नहीं है रिस्पेक्टेड वर्ड इसके मुंह से सूट ही नहीं करता रिस्पेक्टेड For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.